सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी रात के 8:17 पे हम ग्लोबल इंडेक्सेस को ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट्स का एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम फॉरेक्स मार्केट में भी इंडियन रुपए में एक अपसाइड को यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। इस वजह से कल हमें मार्केट अपसाइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और ये 11,600 के लेवल्स को कल ब्रीच करते हुए ऊपर की ओर अपना ओपनिंग भी दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो सबसे पहला स्टॉक है ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। आज जबकि हमें मार्केट में लगभग 73 पॉइंट्स का एक डाउनसाइड देखने को मिल जाता है, लेकिन हमें इस स्टॉक में लगभग 0.5% तक एक मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। कल इसके Q2 रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं और इसमें हमें एक मेजर अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके जो ऑर्डर बुक्स हैं इसमें हमें पिछले एक साल में एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल जाता है और इसके जो प्रॉफिट बुकिंग है यानी कि बिजनेस में रेवेन्यू है उसमें भी हमें कल एक सिग्निफिकेंट अपसाइड रिजल्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो आपको कल इस स्टॉक को जरूर अपने वॉचलिस्ट में शामिल करना चाहिए। अगर हम इस स्टॉक का नाम रिवील करते हैं तो ये इंडिया की नंबर वन इंजीनियरिंग सेगमेंट की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो है। करंटली आप इसके ऑर्डर बुक में एक मार्जिनल सेलिंग प्रेशर को देख पा रहे हैं, लेकिन कल इसके रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले ही आपको इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है जिससे आप इसके डिलीवरेबल से भी कंफर्म कर सकते हैं। आज इसमें हमें लगभग 59% से ज्यादा एक डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल जाता है और अगर हम इसके जो ऑप्शन चेन डेटा है उसकी ओर रुख करते हैं तो हमें हायर लेवल्स जैसे कि 1460 और 1480 के लेवल पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग देखने को मिल जाता है और हम पुट साइड में काफी कम पुट राइटिंग को होता हुआ देख पा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स का जो सेगमेंट सेंटीमेंट है वो करेंटली काफी ज्यादा बुलिश है, तो आपको कल स्टॉक में एक रैली फिर से देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को कल बाय साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है, आज जो मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला वो इसी स्टॉक के वजह से देखने को मिला। ये आईटी सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। इसमें एक न्यूज के चलते यूएस के एडीआर लेवल्स में हमें मंडे को लगभग 12% का एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, क्योंकि मार्केट मंडे को बंद था तो इसका असर हमें आज ट्यूसडे को इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल जाता है। आज इस स्टॉक ने लगभग 16% के डिक्लाइन के साथ 640 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम इसके 200 डेज के ईएमए लाइन को काफी ऊपर देख सकते हैं और इसके मेजर ईएमए लाइंस में भी हमें एक सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिल जाता है। इसके जो वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमबीसीडी इंडिकेटर है यहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन अभी भी देखने को मिल जाता है। तो आप इस स्टॉक में कोई भी खरीदारी करने से करंटली अवॉइड कर सकते हैं। इवन वो पोजिशनल ट्रेड भी हो, आपको करंट सिनेरियो में इसमें कोई भी पोजिशन बनाने से अवॉइड करना चाहिए। कल भी आपको इस स्टॉक में ये सेलिंग प्रेशर जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। ये इंफोसिस लिमिटेड है और हम इसके ऑर्डर बुक में अभी भी लगभग 35,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं। तो आपको कल स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग फिर से देखने को मिल सकता है और ये कल हमें 620 के लेवल्स की ओर कल मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप इसके जो फ्यूचर्स लेवल्स हैं उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ भी हमें सेलर साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बायर साइड के मुकाबले देखने को मिल जाते हैं। तो आप कल इस स्टॉक को फिर से सेल साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक है
वो ऑटो सेगमेंट को बिलोंग करता है, क्योंकि ब्रेक्सिट डील में एक डिले होने की काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही है, तो नो डील ब्रेक्सिट के होने के डर से हमें एंटायर ऑटो सेगमेंट में एक डिक्लाइन अगले कुछ दिनों तक जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और आज हमें स्टॉक में लगभग 4% तक एक डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कल भी हमें जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे आप इसके वोर्टेक्स इंडिकेटर और एमएससीडी इंडिकेटर में चल रहे इस बियरिश क्रॉसओवर से कंफर्म कर सकते हैं। इसका नाम टाटा मोटर्स है और इसके ऑर्डर बुक में भी हम करंटली 43,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स को सेलर साइड में देख पा रहे हैं, तो आपको कल इस स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और इसके जो फ्यूचर लेवल्स हैं, यहाँ भी हमें सेलर साइड में बायर साइड के मुकाबले काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप कल इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इन सब स्टॉक्स के अलावा आपको कल मेटल सेक्टर में से JSW स्टील, हैवेल्स इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज और दूसरे कई स्टॉक्स जैसे कि HDFC लाइफ जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स का Q2 रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, तो आप इन सब स्टॉक्स को भी अपने रडार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कल आपको इन सब स्टॉक्स में भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। टुडे 22nd ऑफ अक्टूबर को मार्केट आवर के दौरान इंफोसिस में लगभग 16.21% का एक डिक्लाइन देखे जाने के बाद US लॉ फर्म जिसका नाम रोसेन लॉ फर्म माना जा रहा है, वो इसके ऊपर एक लॉ सूट फाइल करने वाली है। इसके वजह से हमें कल भी इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आप कल कुछ भी जल्दी ना करते हुए इसमें अपना पोजीशन बनाने से अवॉइड कर सकते हैं। कल आपको इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें भी आपको काफी ज्यादा कॉशियस होते हुए काफी कम क्वांटिटी में इसमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा न्यूज है वो हमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से देखने को मिल जाता है। इसने सेबी से अपना IPO फाइल करने के लिए परमिशन ले लिया है, जो कि 1200 करोड़ का हो सकता है, तो आपको अगले कुछ ही महीनों में इसका IPO मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो तीसरा न्यूज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MSCI इंडेक्स में इंडिया के और 2 से 3 स्टॉक्स शामिल होने वाले हैं, जिनमें हम ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस और सीमेंस का नाम को देख सकते हैं, तो आपको अगले कुछ दिनों तक इन तीनों ही स्टॉक में एक रैली कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। करेंटली इन तीनों स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इसमें कोई भी अपना पोजिशनल ट्रेड लेने से पहले काफी ज्यादा अपना रिसर्च कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आप इनमें अपना पोजिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को चेकआउट करते हैं तो आज हमें 2 डेज के कंसेक्यूटिव राइज के बाद एक डिक्लाइन यहां पे देखने को मिल जाता है। इसका मेन रीजन इंफोसिस में चल रहे भारी सेल ऑफ को माना जा रहा है। यहाँ पे हम इसके मेजर EMA लेवल्स को अभी भी काफी नीचे देख पा रहे हैं, तो कभी भी आपको इसमें ये रैली आगे एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके जो RSI लेवल्स है ये करंटली 60 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और कल हमें इसमें एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और निफ्टी हमें 11,600 का लेवल्स फिर से रिक्लेम करके ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके पुट साइड में करंटली 11,500 के लेवल्स पे भारी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड होता हुआ देख पाएंगे। इस स्ट्राइक पे हमें 1.45 लाख से भी ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इस लेवल पे 14,53,275 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। अगर हम हायर लेवल्स पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम 11,550 के स्ट्राइक पे इसे ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 3.01 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम कल के लिए 11,500 के लेवल्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और 11,550 के लेवल्स को एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे इमीडिएट लेवल यानी कि 11,600 के स्ट्राइक पे हमें
5.14 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस लेवल पे हम 13,30,875 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो कल अगर निफ्टी 11,600 के लेवल्स के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमें ये फर्दर हायर लेवल्स को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है और हायर लेवल्स पे हम 11,700 के स्ट्राइक पे लगभग 10,12,425 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस स्ट्राइक पे हमें 21 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कल के लिए 11,700 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो आज हमें इसमें थर्ड कंसेक्यूटिव डे के लिए एक बुलिश कैंडल देखने को मिल जाता है और इसने अभी भी अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर मूव करते हुए 29,416 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके आरएसआई लेवल में हमें अभी भी एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कल भी हमें जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप करंटली इसके पुट साइड में 29,000 के लेवल्स पे भारी पुट राइटिंग होता हुआ देख पाएंगे। इस ट्रैक पे हमें 2.91 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 5.11 लाख 820 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ भी देख सकते हैं। तो आप कल के लिए लोअर लेवल्स पे 29,000 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो हमें इमीडिएट लेवल्स जैसे कि 29,500 के स्ट्राइक पे कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अभी भी हम इस लेवल पे 3.16 लाख 900 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमें ये 30,000 के लेवल्स की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि हम 30,000 के स्ट्राइक पे लगभग 1.57 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख सकते हैं और इस लेवल पे हमें 6.22 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आप कल के लिए हाई लेवल्स पे 30,000 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And finally, thanks for watching.